सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर। इस तरह 75वीं वर्षगांठ जो है आज़ादी महोत्सव, जो अमृत महोत्सव के नाम पर, जी हां, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने के अनुसार मनाया जा रहा है हर घर तिरंगा। जी हां, खबर को साथ के साथ शेयर करिएगा। उसी तरह हर घर तिरंगे की मुहिम लेकर के जो है एक पुलिस अधिकारी जो है, पुलिसकर्मी जो है, वो जो है अपने करनाल से चला है पेहवा के लिए। आपको दिखा दें, साइकिल पर सवार होकर, तपती हुई धूप है, साइकिल पर सवार होकर वो कर्मी जो है, वो पुलिस अधिकारी जो है, वो चला है हर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं। आपको खबर को साथ के साथ शेयर करिएगा। खाकी की मान सम्मान की अगर मैं बात करूँ तो एक वो छवि जो है वो यहाँ पर कितनी स्वच्छ और साफ छवि यहाँ पर दिखाई देती है। आखिरकार 75वीं वर्षगांठ हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री के कहने पर, जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर हर घर तिरंगा। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ चार रंग तिरंगे में दिखाई देंगे। एक केसरिया रंग होगा, एक सफ़ेद, एक हरा और एक हमारे अशोक चक्र का जो है नीला रंग दिखाई देगा। जहाँ से देखा जाएगा एक तिरंगे के रूप के अंदर जो है वो हमारा देश जो है दिखाई देगा। जी हाँ, खबर को साथ के साथ शेयर करते रहिए। ज़रूर मैं रूबरू करवाऊंगा, बात करवाऊंगा कि आखिरकार कब से जो है ये चले हैं, कब चले हैं, कहाँ से चले हैं और कहाँ के लिए चलेंगे, इनका गंतव्य स्थान क्या होगा, कहाँ से चले और ये प्रेरणा जो है आखिरकार वर्दी में होकर के किस तरह इनको ये प्रेरणा आई कि ये देश के झंडे को, माननीय सम्मानित ध्वज जो है, राष्ट्र ध्वज, उसको लेकर के ये चले हैं घर घर तिरंगा लगाने के लिए। पौधों की अगर मैं बात करूं तो गाड़ी दो साथ में है, लेकिन खुद साइकिल सवार होकर, साइकिल मैन बनकर जो है ये चले हैं करनाल से पेवा की तरफ। खबर को साथ के साथ शेयर करते रहिएगा। देखिए, जज्बे की अगर मैं बात करूं तो सच कहा है किसी ने, ये मेरा देश जो है वो सोने की चिड़िया है, वो सोने की चिड़िया जो है मेरा सुनहरा देश जो है, उसका मान सम्मान तिरंगा जो है उसको शत शत प्रणाम करते हैं, शत शत प्रणाम करते हैं। और आपको बता दें कि वो जगह है इस समय आपको जो हम लोग लेकर आएंगे, क्या रिस्पेक्ट रहेगी, किस तरह से आदर सम्मान दिया जाएगा और किस तरह, आपको बताया कि जो है किस तरह से ये भाई जो है एक पुलिस अधिकारी है, पुलिसकर्मी है, सुनील संधु इनका नाम है। और जैसे मैंने आपको दिखाया कि करनाल से चल के ये भाई जो है साइकिल पर जो है राष्ट्र ध्वज की अगर मैं बात करूं, मेरा सम्मान्य ध्वज जो है वो लेकर के चले हैं, मेरे राष्ट्र का तिरंगा लेकर के चले हैं। साथ में आपको बता दें हर घर तिरंगा पौधा जो है वो साइकिल यात्रा वो है। और आपको बता दें किस तरह से ये चले हैं, पौधे रख करके चले हैं, जहाँ पौधारोहण की आवश्यकता है वहाँ पौधारोहण भी किया जाता है। और यहाँ एक बता दूँ आपको बात में, किस तरह से यहाँ पर जो है किस किस तरह से इस शख्स को जो है आपको बताऊँ, किस कितने साल से ये शख्स ये काम कर रहे हैं, कितने साल से इनको कवरेज दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी इनको सम्मानित किया। एक बार ज़रूर हम लोग बात करेंगे, आप दिखा दें आपको हर घर तिरंगा और हर घर पौधारोहण की अगर मैं बात करूं तो वो यहां पर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आपको बता दें किस तरह से कार्यशील कार्य करते हुए, और आपको बताऊँ बाइसिकल पर जो है ये शख्स जो है लेकर के चले हैं, साधारण सी साइकिल है। और आपको बता दूं, और साधारण सा ये शख्स जो है हेड कांस्टेबल अपनी वर्दी में जो है ध्वज, राष्ट्र ध्वज को सैल्यूट करते हुए वहां से चले हैं करनाल से। बात करवाएंगे सुनील भाई, पहले तो बहुत बहुत सैल्यूट आपको कि आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है। क्या कहेंगे, कैसे ये लगन लगी, कहाँ से चले और कहाँ तक जाएंगे? आज से 2017 की बात है भाई साहब, घर के ऊपर बैठे थे छत पे, तो घरवाली ने कहा ये अलग अलग पार्टियों के झंडे लगे हुए थे लोगों के घरों पे कि क्यों ना हम घर पे तिरंगा लगाएं। हमने अपने घर पे तिरंगा लेने की सोची थी, लेकिन हमारा वहीं से विचार बना कि क्यों ना आप एक लेडीज़ हो, मेरा साथ दो और हम पूरे गाँव में तिरंगे लगाएँ। तो हमने पूरे गाँव में तिरंगे लगाए 2017 में, और पता नहीं कितनी हम तिरंगा यात्रा पैदल गाँव में बच्चों को स्कूल में से लेकर, और ये हमारा एक सपना था, खुली आंखों से देखा हुआ कि घर घर तिरंगा हो, हर घर के आंगन में पौधा भी हो। तो हमने 25-30 हज़ार के करीब पौधे खरीदे, बांटे और लगाए, और ऐसे ही हम जहां भी जाते हैं और कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे किसी की शादी हो, वहां पैसे देने की बजाय मैं वहां तिरंगा देता हूं। और जहां भी मुझे लगे कि हाँ ये बच्चे हैं, समझदार हैं, कोई भी इंसान है, कोई भी, बल्कि मेरे पास फ़ोन आता है बहुत से साथियों का कि हमने ये अभियान चलाना है, तिरंगे चाहिए, तो वो मेरे पास से फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाते हैं।
और मेरे से जितना होता है राष्ट्र के लिए, और मुझे इससे बड़ी क्या खुशी होगी, मैंने एक मुहिम चलाई थी और मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसे अभियान बना दिया, ये पूरे देश में तिरंगे लगेंगे और बड़ी खुशी होगी। और भाई समाज को, समाज सेवियों को, हर इंसान को कहना चाहूँगा, जहाँ आपको दिखे, कुछ लोग कहते हैं घर पे छत नहीं है वो तिरंगा कहाँ लगाएंगे, ये कुछ कहने की बातें ज़्यादा होती हैं। अगर आदमी चाहे मेहनत करे, छत कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई नहीं कर पाए और मतलब वो इतना ही लालाचार है कि अपनी छत भी नहीं बना सकता, तो उन लोगों से अपील करूँगा जो साथी उनके आसपास रहते हैं, जिसके पास भगवान ने दे रखा है, तो उनकी छत का भी प्रावधान करें। सुनील भाई, एक बात आपसे पूछूंगा, कहाँ से चले और कहाँ की तरफ आज की यात्रा रही? कल चले थे हम कैथल से, हमने संत सफीदों, पानीपत और हम रात को रुके सोनीपत। सोनीपत से हम करनाल से चले हैं, वहाँ से सीधा करनाल आ गए थे, क्योंकि हमने पानीपत कल कर लिया था, तो आज कुरुक्षेत्र अभी पेवा जाएंगे। भाई खुद ही साइकिल चला रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब, पहले भी कभी किए साइकिल यात्रा? साल 950 किलोमीटर चलाई थी 7 दिन में, और 7 जिले कवर किए थे। माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने आपको सम्मानित भी है, किस बात पे किया था? उन्होंने मेरे सोशल वर्क पे मुझे सम्मानित किया था, एक वो था अपना इंडिया न्यूज़ का प्रोग्राम था, इंडिया न्यूज़ ने शौर्य सम्मान दिया था, तो हमने वहाँ मुख्यमंत्री जी से बात की थी और उनको भी तिरंगा दिया था। तो जहाँ जो जो भी वहाँ लोग आए हुए थे, हमें लगता है किसी को भी तिरंगा चाहिए तो हम उसको तिरंगा देते हैं, और आपके लिए भी हम एक एक तिरंगा लेके आए हैं अमनदीप भाई, तिरंगे लेके। सुनील भाई, किस तरह जो यूथ है आज का, उसको किस तरह से एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूँगा कि देश से बढ़ के कुछ नहीं है, कुछ लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, तिरंगे के नाम पे भी करते हैं कि मुझे ये झंडा चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैं उनको यही कहना चाहूँगा, ये जो तिरंगा लगता है ये डंडे में लगता है, अगर हमारे तिरंगे की तरफ देखोगे तो ये डंडा भी देख लो। और दूसरा ये भाई, हाथी के पाँव में कहते हैं, हरियाणा में कहावत है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, तिरंगे से बढ़ के क्या है, तिरंगा ही हमारा सब कुछ है, और साथ कुछ नहीं जाएगा। बड़े बड़े लोग चले गए कोरोना में, पौधे लगाएं, छोटे मोटे सामाजिक काम करें। कुछ लोग कहते हैं पैसे भी ना, समाज सेवा कैसे होती है? मैं बताऊंगा उनको, मेरे से संपर्क कर लें, आपके पास, मेरे पास अपने बच्चों का जो भी वेस्टेज होता है, जो बच्चे बढ़ जाते हैं उनके पुराने कपड़े छोटे हो जाते हैं, स्कूलों से इकट्ठा करके हम भी तो ज़रूरतमंद बच्चों को देते हैं। ये भी भाई मैं चाहूँगा कि एक बार राष्ट्रीय ध्वज को आप प्रॉपर ड्यूटी से सैल्यूट करें, तो बड़ी ही मान की बात है, सम्मान की बात है, आखिरकार हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जी हाँ, हमारा तिरंगा, हमारे देश की शान आन, उसको हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। और मैंने बताया जिस तरह सुनील को कितने साल भाई को हो गए सेवा करते, और आखिरकार मैं अपील करूंगा कि आखिर जो हर घर तिरंगे का जो अभियान है, कृपया करके आप भी अपने घर तिरंगा लगाएं, जिस समय सैटेलाइट से हमारे देश को देखा जाए तो सिर्फ उसमें तिरंगे के रंग दिखने चाहिए। अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर, खबर को शेयर करिएगा, आपके साथ हर पल, आपके साथ अरविंदर सिंह, धन्यवाद।